जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एसएससी ने बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए। 24,369 पोस्ट है कांस्टेबल के, उसकी वैकेंसी निकली है। आपका एज होना चाहिए 18 से 23 साल के बीच में, लेकिन आपको यह बता दें कोरोना होने की वजह से, कोविड काल की वजह से गवर्नमेंट ने 3 साल की एक्स्ट्रा आपको छूट दे रखी है। यानी कि आप 18 से लेकर 26 साल तक के बीच भी अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक, और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैट्रिक के लेवल के ही आएंगे। आगे वाली बात, हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कों की और 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कियों के लिए। अब एक बहुत बड़ा आपके अंदर होगा, मैं तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा कहाँ होगा। लोग पढ़ने वाले होंगे 70% 80% जो लेके आएंगे उनका सिलेक्शन होगा। दिमाग से बात निकाल दीजिए, एकदम गलत बात है। इसका जो कट ऑफ नंबर है वो है अनडिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 30%। अगर आपके पास एग्ज़ाम में आप बैठते हैं और सिर्फ 30% नंबर आप ले आते हैं तो आप रिटर्न एग्ज़ाम पास कर दीजिएगा और आपको PST और PT के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिजिकली आपको फिट होना है इसके लिए, तो 30 में 30 तो कोई भी पास कर सकता है और आप तो पक्का पास करेंगे, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो है जनवरी 2023 में शेड्यूल किया गया है। अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीना पूरा आपके हाथ में है, और जनवरी में भी 1 तारीख को तो एग्ज़ाम होगा नहीं, आगे होगा, तो काफ़ी समय है, 2 महीना आपके पास है जो आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। पे कितनी है? पे है लेवल 3 की बेसिक पे है 21,700 से स्टार्ट होगी, यानी कि आपका बेसिक पे जो है 21,700 होगा। इसके अलावा इसमें DA यानी कि महंगाई भत्ता जुड़ेगा, आपका राशन अलाउंस जुड़ेगा, जो आपको भोजन मिलता है उसका TA DA बॉर्डर अलाउंसमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारा मिलता है। 30 के ऊपर आपकी पे आराम से बनेगी, आप चिंता मत कीजिए। एग्ज़ाम आपको 4 पेपर का होगा, यानी टोटल आपको 80 क्वेश्चन होंगे, 20-20 के 4 पेपर होंगे, इसके नंबर 40-40 के होंगे। ये है इस तरह से आपका है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होगा जिसके 40 मार्क्स हैं, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन हैं जिसके 40 मार्क्स हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स मैट्रिक लेवल का जो है वो 20 नंबर का है जिसमें 40 मार्क्स है। इंग्लिश या हिंदी में से एक पेपर आपने देना है जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर मिलेंगे। याद रखिए कि ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन को हल करने का आपको 2 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन को गलत अगर आपने कर दिया तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है जिसको आपने 24 मिनट में क्लियर करना है, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि आधा माइल की रन है जो आपको 8:30 में यानी कि 8.5 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर की रनिंग लड़कियों को पास करनी है। चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट जनरल कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए सिर्फ पुरुषों के लिए, और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए यानी कि 80 और 85। जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 76 नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके होना चाहिए। वैकेंसी भरने की डेट कब है? वैकेंसी की डेट 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 30 नवंबर के रात 11:59 तक चलती रहेगी। फीस कितना लगेगा? फीस बस 100 रुपये है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए और महिलाओं के लिए यानी कि वुमेन कैंडिडेट के लिए तो फीस है ही नहीं। इसके अलावा सबसे खास बात जो किशनगंज के लोगों के लिए है वो ये है कि इस वैकेंसी में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की वैकेंसी में जो 24,369 वैकेंसी निकली है उसमें 20% जो वैकेंसी है सीट है अलग से छांट करके आपके लिए रखी हुई है। यानी कि आपके लिए मतलब जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया की उनके लिए, बिहार में जो हमारा इलाका पड़ता है वहाँ पे किशनगंज और अररिया 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये जो किशनगंज के रहने वाले हैं उनके लिए 20% वैकेंसी के कोटे में आते हैं। इनका पहले आपस में फाइट होगा, यानी कि आपकी जो सारे आदमी भरेंगे 80% से आपका मुकाबला ही नहीं है। आप तो 20% आपकी सीट अलग से रखी हुई है, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनके लिए है ये, यानी कि आपके लिए सुनहरा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो खास करके जो 23 साल क्रॉस करके अभी 26 के नीचे नीचे हैं उनके लिए मैट्रिक पास है, 30% नंबर लाना है
और 20% सीट आपके लिए रिजर्व है। इससे भी बम्पर लॉटरी कुछ लग सकती है क्या? तो कुछ भी मत सोचिए, पहले ये फॉर्म भर दीजिए, एसएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए अगर आपने आज तक एसएससी का चेहरा नहीं दिखाया तो। और अगर आप एसएससी में रजिस्टर्ड पहले से हैं तो फिर जो कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है सीएपीएफ की, इसे आप बिना किसी देरी के भर दीजिए प्लीज़। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं बिहार के, वो हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और डेफिनेटली किशनगंज।